नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है बिहार और झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों का। फटाफट अंदाज में देखेंगे तमाम खबरें। कैमूर में महाराणा प्रताप जयंती में मुख्य अतिथि के तौर पर कैमूर पहुंचे विधान पार्षद सदस्य श्याम बहादुर, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। महाराणा प्रताप महाविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। मोहनिया प्रखंड के शाहबाजपुर गांव में भीषण गर्मी के चलते पानी का जलस्तर घटा, चापाकल हुआ फेल। कैमूर जिले में एक नाबालिग लड़की से युवक ने शादी का झांसा देकर 2 साल तक किया यौन शोषण, मामला हुआ दर्ज। मोहनिया प्रखंड के शाहबाजपुर गांव में ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है नल जल योजना का लाभ, भीषण गर्मी में ग्रामीण परेशान। समस्तीपुर के वारिसनगर में भूमि विवाद में झड़प, दंपति को चाकू मारकर किया जख्मी। खानपुर प्रखंड क्षेत्र में खरीफ फसल साल 2021-22 में कृषि इनपुट देने के नाम पर कृषि सलाहकार पर वसूली का आरोप, डीएम ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। विभूतिपुर प्रखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा अवैध वसूली के खिलाफ छात्रों ने किया प्रदर्शन, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शन। समस्तीपुर बरौनी रेलखंड के बीच मनचले से परेशान छात्रा ने चलती ट्रेन से लगाई छलांग, छात्रा गंभीर रूप से घायल। जयनगर थाना क्षेत्र में बढ़ते अपराध और तस्करी के खिलाफ भाकपा माले के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली। बिहार राज्य किसान सभा के दर्जनों लोगों ने जयनगर अनुमंडल कार्यालय पर 14 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अंधराठाड़ी थाना ने रसोईया कर्मी से दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया, पुलिस कर रही है पूछताछ। करौली थाना ने चतरा गुबरेरा उत्तरी के पूर्व मुखिया राघवेंद्र पंडित और इंदल यादव मारपीट के आरोप में गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। खजौली स्टेशन पर रैक पॉइंट का निर्माण कार्य का शुभारंभ, अनिल सिंह ने किया शुभारंभ, संवेदकों में हर्ष का माहौल। हरलाखी थाना के बेलाटोला गांव में साधु के भेष में आए अपराधियों ने चौकीदार के घर में चोरी की, लाखों के जेवरात उड़ाए, 4 लोग गिरफ्तार। जयनगर रेलवे स्टेशन पर साइकिल स्टैंड का अभाव, यात्री जहां तहां लगाते हैं वाहन, रेल यात्री परेशान। मधुबनी में भारतीय चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। मधुबनी के बाजोपट्टी के सिरियापुर गांव में फायरिंग के मामले में पुलिस की कार्रवाई, 13 नामजद, 5 आरोपी गिरफ्तार, अपराधियों ने 4 लोगों को मारी थी गोली, घायलों का निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। मधुबनी बाजोपट्टी के सिरियापुर गांव में हुई गोलीबारी में 5 आरोपी हुए गिरफ्तार, एसपी सुशील कुमार ने की पुष्टि। घोसीनगर पंचायत के देहुनी गांव में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ को लेकर निकाली गई कलश यात्रा, कई लोग हुए शामिल। विलासगंज प्रखंड क्षेत्र में केवला गांव के समीप फल्गु नदी में डूबकर एक शख्स की मौत, परिवार में मचा कोहराम। मखदुमपुर प्रखंड क्षेत्र के मीरा बीघा के पास बाइक और ऑटो की टक्कर, बाइक सवार शिक्षक हुए घायल। समाहरणालय स्थित ग्रामप्लेक्स भवन में पेयजल समस्या निवारण को लेकर परिचर्चा, जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद। विलासगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर के स्वामी रंगरामानुजाचार्य के श्राद्ध में हजारों लोग हुए शामिल, ब्रह्मभोज का किया गया आयोजन। घोसी विधायक रामबली सिंह यादव ने अस्पताल के नए भवन का निर्माण कार्य का शुभारंभ कराया, 68 लाख की लागत से बनेगा उप स्वास्थ्य केंद्र। मदारपुर रेलवे गुमटी क्रॉस करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से युवक जख्मी, इलाज के लिए पटना रेफर। सहरसा के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र में नल जल योजना का बुरा हाल, स्वच्छ पेयजल की बजाय आयरन युक्त पानी की हो रही है सप्लाई। सहरसा के बनमाई टहरी ओपी के खुरासान निवासी एक आर्मी जवान से ठगी, साइबर अपराधियों ने लगाई 17,473 रुपये की चपत, थाने में मामला दर्ज। सलखुआ थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 बदमाशों को दबोचा, देसी कट्टा समेत 3 जिंदा कारतूस बरामद। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 स्थित मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन में निकला कीड़ा, गुस्साए बच्चों ने किया हंगामा, प्रधानाध्यापक के खिलाफ नारेबाजी। सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के शंकरपुर गांव स्थित परमार धाम में जागृति यज्ञ समारोह का किया गया आयोजन, 3 दिवसीय अखंड रामधुनी अष्टयाम समापन। सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में कलयुगी मां ने अपने नवजात के शव को सड़क किनारे झाड़ी में फेंका, मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी। लखीसराय जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र में जखौर गांव में जमीन के विवाद में गोलीबारी, मौके से पुलिस ने 5 खोखे बरामद किए। बड़हिया प्रखंड के लक्ष्मीपुर पंचायत के पहाड़पुर गांव में कुएं के जीर्णोद्धार कार्य में अनियमितता बरतने का आरोप, वार्ड सदस्य ने कार्य को रोका। बड़हिया थाना क्षेत्र के बाईपास मोड़ जय माता दी मार्केट के समीप एक अनियंत्रित कार ने 3 बाइक में जोरदार टक्कर मारकर फरार, हादसे में बाइक सवार घायल। रामगढ़ चौक प्रखंड के तेतरहट में बने जीएनएम और पैरामेडिकल स्कूल का किया गया विधिवत उद्घाटन, स्कूल में पढ़ाई जल्द शुरू। सदर प्रखंड की अमहरा पंचायत के रामनगर गांव में श्री 1008 श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन, भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई।
पड़हिया प्रखंड के खुटहा पश्चिमी पंचायत के तिसिया टोला में अगलगी, एक दर्जन फूस का घर जलकर खाक। अरवल जिले के कलेर प्रखंड के अमीर बिघा NH 139 पर कार और बाइक की टक्कर, दो भाई गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भराया गया भर्ती। अरवल जिला मुख्यालय स्थित शेखर मेमोरियल ऑर्थो सेंटर में दूरबीन की मदद से घुटने के लिगामेंट की हुई सर्जरी, दूरबीन के सहारे ऑपरेशन का पहला मामला। अरवल जिले के सदर प्रखंड के मलही पट्टी मध्य विद्यालय में बच्चों से जबरन धुलवाया जा रहा है बर्तन, बच्चों को बर्तन धुलवाने से मना करने वाले शिक्षिका से प्रधानाध्यापक की बदसलूक। अरवल जिले के कलेर प्रखंड के समरिया महादलित टोला स्थित स्कूल के एक शिक्षक LIC कराने में रहते हैं व्यस्त, BEO ने जानकारी के बाद जांच के आदेश दिए। आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के कन्हैया गांव के निकट पुल निर्माण कार्य छोड़कर संवेदक फरार, एक साल से बंद पड़ा है निर्माण कार्य। गोड़ा प्रखंड क्षेत्र के गोड़ाबाड़ी में मोबाइल छीनकर भागते चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा, जमकर की पिटाई। अलका प्रखंड क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यशाला का आयोजन, लकवा से बचाव की दी गई जानकारी। राणपुर प्रखंड क्षेत्र में गंगानगर गांव के समीप पेटक शशाधार पर बांस से लदा ट्रैक्टर पलटा, चालक और मजदूर की दबकर मौत। मनिहारी प्रखंड क्षेत्र के अनुमंडल अस्पताल के पास ऑटो और हाईवा ट्रक की टक्कर, महिला समेत 3 लोग जख्मी। फलका प्रखंड क्षेत्र के पकड़िया बहियार में खेत से लौट रहे किसान का शव बरामद, स्थानीय लोगों ने शव निकाला। फलका प्रखंड क्षेत्र के सालेहपुर महेशपुर में 1 करोड़ की लागत से अस्पताल भवन का निर्माण कार्य शुरू, स्थानीय लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधा। पूर्णिया सदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्णिया इकाई के द्वारा PG नामांकन में वसूली का किया गया विरोध, छात्रों ने कल्याण अधिकारी का किया घेरा। हमारे प्रखंड के नितेंद्र पंचायत वार्ड नंबर 3 के महादली टोला में मूलभूत सुविधाओं का है अभाव, विधायक अख्तरुल ईमान ने लोगों ने दिया आवेदन। बायसी प्रखंड के चरैया स्थित NH 131 पर स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर मक्का को सुखाया जा रहा है, आम लोगों को होती है परेशानी। हमारे प्रखंड के उत्क्रमित उच्च मध्य विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक की मनमानी से लोग परेशान, जिला शिक्षा पदाधिकारी को लोगों ने दिया आवेदन। हमारे अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बाढ़ पूर्व तैयारियों का लिया जायजा, ज्ञान दोभ पंचायत में जनप्रतिनिधि के साथ बैठक। मुख्यमंत्री के साथ निश्चय योजना के तहत मशरक प्रखंड के सनौली पंचायत के वार्ड नंबर 3 में नल जल योजना के टावर का अब तक नहीं हुआ निर्माण, ग्रामीणों में है आक्रोश। मढ़ौरा प्रखंड के सैकड़ों वार्ड सदस्यों ने BDO सुधीर कुमार के साथ की बैठक, नल जल संचालन में होने वाली परेशानियों से कराया गया अवगत। मढ़ौरा के मिर्जापुर में अब्दुल मजीद के घर में लगी आग, घर में रखा खाने पीने की सामान जलकर हुआ नष्ट। परसा के खजौली मठिया के समीप ट्रैक्टर ने युवक को रौंदा, युवक की घटनास्थल पर हुई मौत। हमनौर प्रखंड के ढोरलाही नारे पर मध्य विद्यालय में 2 शिक्षकों के बीच मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। एकमा प्रखंड के राजस्व कर्मचारी का दाखिल खारिज के नाम पर घूस लेने का एक वीडियो वायरल, कर्मचारी दलाल के माध्यम से ले रहा है पैसा। वीरपुर प्रखंड के नौला पंचायत की मुखिया रीचा देवी ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय नौला का किया औचक निरीक्षण, मुखिया ने विद्यालय में गंदगी देखकर नाराजगी जताई। वीरपुर प्रखंड के नौला पंचायत भवन में शौचालय से वंचित परिवारों को सर्वे को लेकर बैठक हुई, बैठक की अध्यक्षता मुखिया ऋचा देवी ने। सिंघौल सहायक थाना क्षेत्र के डुमरी गांव के वार्ड नंबर 7 में बच्चे के विवाद में मारपीट, एक पक्ष से कई लोग घायल। फुलवरिया थाने पुलिस ने बिजली चोरी के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी ने किराए के मकान में खोल रखा था पानी का प्लांट। भंडारी प्रखंड के मेहा ग्राम के राजकीय कृत मध्य विद्यालय मेहा में स्कूली बच्चों को नहीं मिल रहा है मध्यान्ह भोजन, ग्रामीणों में है नाराजगी। खुदावंदपुर पुलिस ने कांड संख्या 110/17 के आरोपी को किया गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। बेगूसराय कॉलेज में घुसकर असामाजिक तत्वों ने हथियार लहराते हुए कर्मचारी के साथ की मारपीट, मंझौल थाना क्षेत्र के RCS कॉलेज की घटना। खुदावंदपुर प्रखंड क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव, ठीक तरीके से नहीं हो रहा इलाज, मरीजों में नाराजगी। खुदावंदपुर के दौलतपुर में विष्णु यज्ञ का आयोजन, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। लाखो थाना क्षेत्र के भगवानपुर चौक पर तेज रफ्तार बाइक सवार ने एक महिला को मारी टक्कर, पुलिस हिरासत में 1 युवक। भंडारी थाना पुलिस ने शराब मामले में 2 युवकों को किया गिरफ्तार। बछवाड़ा प्रखंड के उच्च विद्यालय नारेपुर में AIIF का सम्मेलन अभिनव कुमार अकेला के नेतृत्व में किया गया। फुलवरिया थाना क्षेत्र के राजेंद्र रोड नगर स्थित बरौनी कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल शॉप से 7 लाख का मोबाइल और एसेसरीज के साथ 50,000 नकद की चोरी। बलिया प्रखंड के बलिया बाजार में एक बारात में 4 पहिया वाहन को हेलीकॉप्टर का लुक दिया गया।
नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र में बस और बाइक की टक्कर, बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत। फिरवरिया थाना पुलिस ने तारा अड्डा चौक से पानी प्लांट संचालक विजय कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। बलिया प्रखंड मुख्यालय को दियारा इलाके को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का चौड़ीकरण कार्य शुरू किया। बेगूसराय के केवटी प्रखंड में दिनदहाड़े नशेड़ी ने एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने नशेड़ी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई। अज्ञात लोगों ने रनवे स्थित ज्योतिषी जी पोखरा के पानी में डाला जहर। लोग छोटी मछलियों को पोखरे से ले जा रहे हैं। सालों से चल रहा है मछली का पालन। केवटी प्रखंड में नशे की हालत में अपनी पत्नी से विवाद के आरोप में एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मझिगामा गांव से युवक की हुई गिरफ्तारी। केवटी प्रखंड के ननौरा पंचायत में बनने वाले अमृत सरोवर का हुआ शिलान्यास। मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने किया शिलान्यास। केवटी प्रखंड के ननौरा स्थित तालाब के दक्षिण भिंडा पर सांसद और विधायक ने करीब 2 दर्जन पौधे लगाए। केवटी पुलिस ने केवटी चौक पर शराब के नशे में हंगामा करते मोहम्मद मुमताज नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया। नरकटियागंज के चुन्नू मिश्रा बने बिहार सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष। पूरे जिले में सरपंचों में खुशी की लहर। मझौलिया में सड़क हादसे में घायल युवक, जीएमसीएच में चल रहा इलाज। बेतिया में भीषण गर्मी से लोग हैं परेशान। 38 डिग्री सेल्सियस तक 11 बजे तक हो जाता है तापमान। मझौलिया में किसानों फूलों की बागवानी कर लाखों की कर रहे हैं कमाई। भोजपुर जिले में तेज रफ्तार का कहर। उदवंत नगर थाना क्षेत्र में गिट्टी लदे ट्रैक्टर ने 2 शिक्षकों को रौंदा। दोनों शिक्षकों की घटनास्थल पर मौत। सासाराम में विक्रमगंज अनुमंडल न्यायालय के जज के घर हुई लूट। पत्नी को बंधक बनाकर लूट को दिया अंजाम। 50,000 कैश और करीब 2 लाख के जेवर लेकर फरार। खानापुर के मनेर थाना क्षेत्र में बालू लदे ट्रैक्टर से कुचलकर एक महिला की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने शव के साथ सड़क जाम कर किया हंगामा। भागलपुर में बाइक और साइकिल की टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के जहांगीरा गांव के पास की। भोजपुर जिले के 2 थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने युवक को मारी गोली। घायल युवक इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती। नवादा जिले के काशीचक थाना क्षेत्र के लीला बीघा गांव में गोलीबारी। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायल इलाज के लिए सदर अस्पताल में। जमुई सदर क्षेत्र स्थित महिला कॉलेज के सामने बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या की। मौके से खोखा बरामद। मधुबनी में तालाब में डूबने से किशोर की मौत। कोलकाता से शादी में शामिल होने आया था किशोर। कलवाही थाना क्षेत्र के पुरसौलिया गांव की घटना। बेगूसराय में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार हाईवा ने मैजिक वाहन को मारी टक्कर। 6 से ज्यादा लोग घायल। घटना बरौनी थाना क्षेत्र के बथौली गांव के पास। जमुई जिले के मलयपुर थाना क्षेत्र स्थित बाबा का ढाबा के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक की मौत। छानबीन में जुटी पुलिस। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के अमरपुर कजरेली पथ पर कुलहरिया के पास सड़क हादसा। गाड़ी के धक्के से बुजुर्ग व्यक्ति की घटनास्थल पर हुई मौत। मुंगेर में आजमगंज में छत गिरने से एक शख्स घायल। सदर अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में हुई मौत। पटना के विभिन्न इलाकों से बाइक चोरी कर चकाई इलाके में खपाने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। चोरी की बाइक के साथ गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।